का सही नहीं रहता तो शुरुआती क्षणों में कभी कभी इस तरह का गोल खाने का चांसेस बन जाते हैं। जरफा पाखुड़ी की अगर बात कीजिए, शुरुआती क्षण में अच्छी रणनीति को अपनाए, अटैकिंग खेल को खेले और उसमें एक सफलता भी हाथ लग चुकी है। चावर रोशन भूमिज के द्वारा पेंटू मुर्मू के लिए मौका पर धीरे धीरे बनता हुआ। सही बोल अगर डाल पाते लाखों सोरेन सुशील के लिए तो फिर से एक मौका बन सकती थी। रंजीत टुडू की अगर बात की जाए, कमाल का खेल को खेल रहे हैं और बात ऐसा नहीं कि आज पहली बार इस तरह का खेल को खेल रहे हैं, इस तरह शानदार खेल खेले जाने जाते हैं। दोनों टीम के गोलकीपर अब तक अच्छा गोलकीपिंग को दर्शाता हुआ बारलाक्स के सीनियर गोलकीपर भी मौजूद है, जिस जूनियर गोलकीपर के लिए कोच का भूमिका को अदा कर रहे हैं। जरफा पाखुड़ी टीम के लिए गोलकीपर कोच के रूप में साल खान मौजूद है। मौका है पिंटू के लिए लेकिन यहाँ पर गोल नहीं देख पाए, ये कहना ज्यादा उचित न होगा मेरे विचार से, क्योंकि बॉल तो सब पीछे डाला गया था। हम देख रहे हैं बॉल को समझ नहीं पाया, पर जो है खिलाड़ी सुशील माड़ी, एक गोल जीत के लिए काफी होता है फुटबॉल के खेल में, लेकिन समय अगर हाथ में रहता विपक्षी दल बराबर का गोल दाग देते तो टीम के ऊपर दबाव बढ़ जाते हैं। इनके बीच जो बहुत ही संघर्षपूर्ण टाइब्रेकर कर रहा उसमें आरएफजी जूनियर टीम को जीत मिला है, जीत के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देना चाहेंगे शाकुन दस भाटेन टीम को, आपने हमारे टूर्नामेंट में टीम को शामिल करे, टूर्नामेंट में साफ सुथरे खेल को खेले, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ कुछ जगह पर हमारे यूट्यूबर बैठे हैं, दर्शक ध्यान देंगे जहाँ से वो कैमरा कर रहे हैं उस जगह से आप लोग अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे उनको यूट्यूब में डालने में दिक्कत ना हो।
किसी भी प्रोग्राम में, खासतौर पर फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, चाहे कोई भी खेल हो या स्पोर्ट्स हो, आजकल के ज़माने में यूट्यूबर का बहुत बड़े योगदान रहता है, जिनमें दर्शक समय नहीं दे पाते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी प्रोग्राम से रूबरू हो जाते हैं। फिर से मैं जानकारी दे दूं, इस बार जो मैच होंगे क्वार्टर फाइनल का पहला मैच होंगे www.signature.com और तलमा टाइगर के बीच मैच होंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी संकट यहाँ पर बन चुकी है बार लाइफ से के लिए, गोविंद बोल को समझ नहीं पाए, खासतौर पर उस एरिया में डिफेंडर आपको पीछे रखकर बॉल को रिसीव करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। कप्तान ने यहाँ पर लाखों पर ज्यादा भरोसा जता है, जिसका शॉट लेंगे यहाँ पर लाखों सौ रने देखनी है। बहुत ही सुझबुझ शॉट पर लाखों सरन के द्वारा सफलता हाथ दिलाने में कामयाब हुई है। लेकिन गणेश जी, जहां तक बात की जाए बारला एफसी के लिए मैच में वापसी करने के लिए समय काफी है, देखने वाली बात है बारला एफसी क्या करेंगे, बचे समय में क्या बराबरी का गोल दाग पाएंगे या जारपा स्पोर्टिंग बागुड़िया दूसरे या तीसरे गोल दागेंगे, क्योंकि समय काफी है।
हेलो 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 जी बिल्कुल, काफी समय है बारला एफसी के पास, मगर उस बाकी बचे समय में किस तरह से इस खेल को खेलेंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ी सी रणनीति में बदलाव करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि शुरुआती क्षणों से ही पूरी तरह से हावी होने के प्रयास कर रही है जालपा बागुड़िया, और उसी का नतीजा है कि 1-0 की बढ़त तो मुकम्मल कर चुकी है बाला एफसी। शुरुआती मैच में उतना बेहतर प्रदर्शन उनका नहीं रहा था, मगर इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 1-0 से पिछड़ रही है वो एक अलग बात है, मगर काफी समय है उनके पास। दूसरी बढ़त की प्रयास जरूर करेगी यहाँ पर जारपा बागुड़िया, क्योंकि दोनों ही दल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 1-0 की बढ़त जो है वनडे के खेल में काफी देर तक मायने नहीं रखती और कभी भी उलटफेर हो सकती है, तो प्रयास जरूर है कि दूसरी बढ़त भी हासिल कर लिया जाए। और ध्यान देंगे आज का पहला क्वार्टर फाइनल मैच www.signature.com वर्सेस दलमा टाइगर, आप दोनों के बीच खेला जाना है। दोनों ही दलों के कप्तान से आग्रह है कि अपने टीम को बिल्कुल रेडी अवस्था में रखेंगे, और यहां पर मध्यांतर की घोषणा हो चुकी है। चलिए, कटिंग छटिंग मेहनत अच्छा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में गलत जगह पर बॉल को डाले। फिलहाल प्रयास जारी है बारला एफसी टीम का किसी तरह मैच में वापसी किया जाए। एक गोल से संतुष्ट नहीं अब तक का जारपा बागुड़िया, दूसरी गोल दागने के लिए बार बार मूवमेंट बना रहे हैं। मौका है पर सुशील के लिए, और फिर से यहां पर बॉल के साथ टाइमिंग नहीं कर पाए। अच्छी बॉल पर विशाल कर्मकार ने गणेश करवा के लिए डाले हैं ये गोविंद मुर्मू, बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है। Thank you.
बहुत अच्छे मौका यहाँ पर कमाल का गोलकीपिंग पर अब हेड हो रहा के द्वारा इसी तरह गोलकीपिंग के लिए जाना जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ